बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं होस्ट इरफान अली चंग। आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो एक दूसरे टॉपिक पे, जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो अली नासिर बलूच साहब है, जो खुद एक एक्स जज हैं और सर डिफरेंट आर्टिकल लिखते हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर में, और करंटली एडवोकेट हाई कोर्ट भी हैं। सर वेलकम हमारे इस लाइव प्रोग्राम में, आपको हम वेलकम करते हैं हमारी अपनी पूरी टीम के साथ। सर आप अपना माइक खोल लें। सर वेलकम, बड़ी मेहरबानी इरफान साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमने सोचा कि आप भी लॉ की फील्ड से हैं, माशाल्लाह से जज भी रह चुके हैं, तो हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि हम सारे लॉ के स्टूडेंट से हमने आपको देख के लॉ की फील्ड चॉइस की। जिस टाइम आप लोग जज बने थे तो उस टाइम हमारे सिटी का जो रेशो था माशाल्लाह से एकदम हाई हो गया था। वैसे सारे स्टूडेंट्स मेडिकल इंजीनियरिंग की तरफ जाते थे, जब से आप लोग 4-5 दोस्तों ने टेस्ट क्वालिफाई किया तो अब जिससे पूछो वो बोलता है मैं वकील बन रहा हूँ। सो ये आपकी मेहनत है जो आपने हमें इतना टाइम दिया, और इस वजह से सारे स्टूडेंट्स लॉ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आप लॉ के स्टूडेंट से लेके फिर एक वकील, मतलब जो जूनियरशिप, उसके बाद मेहनत करके टेस्ट क्वालिफाई करना, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होके जुडिशल मजिस्ट्रेट में रिज़ाइन देना, इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें आप अपना। बड़ी मेहरबानी, पहले तो आपने ये लाइव सेशन रखा, इसके लिए बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया, दावत दी। लॉ के बारे में इस किस्म की डिस्कशंस हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसमें ना सिर्फ आप कह रहे हैं कि आप स्टूडेंट हैं, बल्कि हर बंदा जो लॉ की फील्ड के साथ रिलेटेड होता है वो हमेशा स्टूडेंट रहता है, हमेशा सीखता है। इसमें हर दिन आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। मेरा जहाँ तक ताल्लुक है तो मैं शुरू से ही, मुझे लॉ करने का बहुत शौक था और यही फील्ड मैंने अपने लिए चूज की थी। तो मैंने शायद बहुत से दोस्तों को पता ना हो, मैंने इंजीनियरिंग भी की है। आई एम क्वालिफाइड इंजीनियर। मैंने 2001 में नवाबशाह में कायदेवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, फिर मैंने वहां पे इंजीनियरिंग कंप्लीट की 2006 में। लेकिन मुझे लॉ का इतना शौक था कि जैसे ही मैंने फाइनल एग्जाम दिया इंजीनियरिंग में, तो मैं SM लॉ कॉलेज पहुंच गया और मैंने कहा कि मुझे आप एडमिशन दे। तो उन्होंने कहा कि अभी आपके फाइनल रिजल्ट नहीं आए, जब आपके रिजल्ट आए तो फिर आप आइएगा एडमिशन के लिए। तो फिर मुझे वेट करना पड़ा, जब हमारे फाइनल रिजल्ट आए तो फिर मैंने वहां पे जाके अप्लाई किया। तो मेरे पहले दिन से ये जहन में था कि मुझे लॉ करना है, और उस मैंने हालांकि वो प्रोफेशनल डिग्री मैंने की, लेकिन मैंने फिर उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैंने लॉ कर लिया। फिर 2009 में लॉ कंप्लीट किया, फिर करता रहा। जज बनने का जहां तक ताल्लुक है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इतना शौक नहीं था जज बनने का, मैं लॉ प्रैक्टिस ही करना चाहता था। लेकिन आगे चल के फिर वो एक शुरू में मैंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन बाद में फिर कुछ दोस्तों ने और घर वालों ने इसरार किया, तो फिर मैंने उसमें बैठ गया 2016 में। दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, और माय फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बन गया जज। तो फिर लेकिन मेरे जहन में यही था कि मुझे ये कुछ टाइम के लिए ये करना है, एक एक्सपीरियंस के तौर पे ये नौकरी करनी है और उसको देखना है, समझना है, क्योंकि जज बन के आप कानून को एक और एंगल से देखते हैं, वकील बन के आप कानून को एक और एंगल से देखते हैं। तो मैं उस दूसरी एंगल से भी देखना चाहता था लॉ को। तो मैंने 3 साल जॉब किया और फिर मैंने रिजाइन कर दिया, और फिर अपने उसी जो जिस पेशे से मुझे लगाव था, मैं उस पेशे में वापस आ गया हूँ और अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लॉ की। सर योर माइक इज ऑफ आई थिंक। जी आप बता। जी सर, सर आपने जब रिजाइन कब दी थी? मैंने 22 जुलाई 2019 को रिजाइन कर दिया, 3 साल जॉब करने के बाद।
अच्छा सर, मोस्टली जो हम और आप एक सिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम जो जिससे मिलते हैं या बताते हैं कि सर ने रिज़ाइन दे दी, वो हमेशा यही कहते हैं, हाँ जज को छोड़ के वकील बनना है, वकील में क्या है। तो इस हिसाब से आपसे ये पूछेंगे, इस टाइम पाकिस्तान में लॉ की फील्ड का क्या रोल है? वो मुझे एक उस पे लतीफा याद आ रहा है, मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे कहा, क्योंकि वो उसके पास अपनी वैगन है, वो गाड़ियों का ट्रांसपोर्टर टाइप, वो इस किस्म का ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर मिक्स्ड है। तो उसने, वो मुझे मिला तो उसने कहा, ये तुमने क्या किया, जज से रिजाइन करके वकील बन गए, ये तो ऐसे हुआ कि तुम ड्राइवर से फिर कंडक्टर बन गए। तो बिल्कुल ये सोसाइटी में इस किस्म के बहुत रेजिस्टेंस को सामना करना पड़ा लोग, क्योंकि देखें हमारे सोसाइटी में लोग नौकरियों के पीछे भागते हैं, तो और ये तो सबसे बेस्ट नौकरी है, जज की नौकरी से अच्छी कोई नौकरी नहीं है। मैं कहता हूं जिसको अगर नौकरी करनी है तो फिर वो जज की नौकरी करे, लेकिन किसी को नौकरी ना करनी हो तो फिर नौकरी के, क्योंकि अपने एक लवाजमात होते हैं, एक अपनी कैद होती है, एक अपनी पाबंदियां होती हैं उसमें, तो अगर किसी को नौकरी करनी है तो इससे अच्छी कोई नौकरी नहीं है, लेकिन अगर नौकरी ना करनी हो तो फिर आदमी वो काम करे जो वो उसको पसंद हो। जहां तक आपने पूछा कि उसका रोल क्या है वकालत का, तो वकालत एक ऐसी फील्ड है जिसमें लोग मुझसे पूछते हैं कि हम वकालत क्यों करें, तो मैं उनको कहता हूं वकालत आप इसलिए करें कि सारा मुल्क जो है वो आईन और कानून के तहत चलता है, और इसलिए वकील की हर जगह ज़रूरत होती है। आपका मुल्क, आपके इलेक्शंस, आपके प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके मिनिस्टर्स, एक एक चीज़, आपके कोर्ट्स, आपका सारा मुल्क जो है आपके आईन के तहत चलता है, और बाकी नीचे सारी चीज़ें मुख्तलिफ कानून कवानीन हैं उनकी रोशनी में चलती हैं, तो हर चीज़ कानून की हिसाब से चलती है। तो इसलिए आपकी एक वकील की हर जगह ज़रूरत है, और एक वकील उस अपने पूरे निज़ाम को समझने के लिए आपको वकील की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए वकील वो होता है, उसका पिवोटल रोल होता है सोसाइटी में। जज जो है वो सिर्फ एक नौकरी करता है, उसका अपना एक रोल है सोसाइटी में, ये नहीं कि वो इंसाफ की फराहमी में अपना रोल है, लेकिन जो आज़ादी एक वकील को है, जो ज़्यादा काम करने का स्कोप एक वकील के पास है, वो शायद किसी भी नौकरी करने वाले के पास या किसी और प्रोफेशन वाले के पास ना हो। मतलब ऐसा कह दें वकील जो है वो आज़ाद है, जो दिल करे वो कर सकता है, और जो जज है वो एक चीज़ में बाउंड है, उसमें रेस्ट्रिक्शन दी गई है। जी, उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए, जज का अपना एक रोल है, वकील का अपना एक रोल है, उसको हम कंपेयर नहीं करते, वो कोई कंट्रास्ट में नहीं है, वो इंसाफ की फराहमी के दो सुतून हैं, वकालत का पेशा और जज की जो पोस्ट है वो इंसाफ की, असल में है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ की फराहमी का जो निज़ाम है, लोगों को इंसाफ फराहम कराने करने के लिए जो वजह किया गया है, तो उसमें ये दोनों इनका रोल है अपना अपना, लेकिन एक सोसाइटी के लिए काम करने, क्योंकि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप अगर जो मॉडर्न हिस्ट्री है, इंसानी तारीख की जदीद तारीख, जो पीछे वाली नहीं लेकिन जदीद तारीख जो है, उसमें आप अमेरिका की तारीख देख लें, उनके जो फाउंडिंग फादर्स हैं सारे, जॉर्ज वाशिंगटन, बाकी लोग, और बाकी हमारी अपने इंडो पाक की तारीख देख लें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, गांधी देख लें, नेहरू देख लें, सारे वो लोग हैं जो वकील थे, और उनका बहुत ही अहम रोल होता है सियासत में, चीज़ों में, तो उनको मॉडर्न हिस्ट्री को बनाने वाले वकील ही हैं सारे। तो वकील का सोसाइटी में ज़्यादा रोल है, वो ज़्यादा काम कर सकता है, वो ज़्यादा चीज़ों को पे असर डाल सकता है। बिल्कुल सर, ये बात सही। और सर जो हम मतलब आप लोगों की जज होने की वजह से जो हमारा मुश्किल रेशो था, पहले मेडिकल की तरफ जा रहा था, इंजीनियरिंग की तरफ जा, उन लोगों को दूसरी फील्ड का पता ही नहीं था। अब माशाल्लाह से मैं समझता हूँ हर घर से कोई ना कोई आपको लॉ का स्टूडेंट मिलेगा, तो ये आप लोगों की वजह से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मतलब हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज हुए। और सर जो मैं दूसरी बात आपसे ये, जी सर कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग, क्योंकि हमारे मुल्क में ये भी मसला है कि लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि मेरी पसंद की फील्ड क्या है, मैं उसमें जाऊं, लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हम ऐसी फील्ड को चूज़ करें जिसमें हमें एक अच्छा रोज़गार भी मिले। तो शायद लोगों के जहन में पहले मेडिकल और इंजीनियरिंग ही होता था,
कि जहाँ पे जाके हमें नौकरी मिलेगी, या तो हम डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे, हमें नौकरी मिल गई या कोई और सरकारी नौकरी, तो फिर इस फील्ड का पता नहीं था। तो फिर यहाँ पे आके लोगों को पता चला, जब हम अपने गांव में 2015 में मेरे कज़न बने जज, और 2016 में हम तीन कज़न एक साथ बने, तो फिर हम चार एक ही गांव में चार जज बन गए। तो उनको फिर ये हो गया, लोगों को ये हुआ, हमारे आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कि ये भी एक फील्ड है जिसमें आपको बहुत ही अच्छी नौकरी मिल सकती है, जो किसी भी नौकरी से बेहतर नौकरी है, और आप अच्छे वकील भी बन सकते हैं। तो ये फिर लोगों का इस तरफ भी रुझान है। बिल्कुल सर, ये बात आपने ठीक की। सर आजकल जो हम ला के स्टूडेंट्स हैं, यंग न्यू एनरोल्ड वकील है, वो जुडिशरी के तरफ जाना चाहते हैं, वो तैयारी भी कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ, मैं भी जुडिशरी की सोच रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, तो उनके लिए आप क्या सजेशन दोगे, कौन सी चीज़ों को, क्योंकि आपके पास एक एक्सपीरियंस है, आप इन चीज़ों में जूनियरशिप से लेके प्रैक्टिस से लेके, मतलब आपके पास सारा एक्सपीरियंस है, तो हमें कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? वैसे तो सारे सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है ला के, तो जुडिशरी के हिसाब से आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। मुझे जब भी दोस्त पूछते हैं, मैं उनको यही बात कहता हूं कि अगर आपको जज बनना है तो आपके लिए मेरे पास दो सजेशंस हैं। पहली कि आपको दो चीजें सीआरपीसी और सीपीसी, जो प्रोसीजरल लॉ है, सिविल का और क्रिमिनल का, यानी सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, इस पे आपको उबूर होना चाहिए। उबूर होना चाहिए, उबूर का मतलब है कि आप कहीं से भी कोई भी आपको कोई चीज पूछे तो आपकी कमांड होनी चाहिए इसके ऊपर, इसको आप इस तरह से पढ़ें। अगर आपका सीआरपीसी और सीपीसी के ऊपर कमांड है आपको, तो इसका मतलब आप जज बनने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपकी 80% तैयारी हो गई, चाहे आपका पहला टेस्ट हो जो आपका एमसीक्यूज का टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, वो टेस्ट हो, चाहे आपका सब्जेक्टिव टेस्ट हो यानी रिटन पेपर हो, चाहे आपका इंटरव्यू हो, आपसे मोस्टली सीपीसी और सीआरपीसी से पूछा जाएगा। इसलिए आप इन दो चीज़ों के लिए ये अपना रखें कि हमें इसके ऊपर कमांड हासिल करनी है, कमांड, इसके ऊपर कंप्लीट दस्तरस। और दूसरी बात यह है कि आप जो चीज भी पढ़ें वो आप डेप्थ में पढ़ें। डेप्थ का मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आप ऐसे ना पढ़ें कि वो, और बिल्कुल जो बेहतरीन किताबें हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नदीम शौकत की किताबें हैं और इस किस्म की जो बड़ी बड़ी और गहरी किताबें हैं वो पढ़नी चाहिए। ये छोटे छोटे छोटी छोटी चौपड़ियों टाइप की किताबें या नोट्स किस्म की, इनसे आप न पढ़ें, आप गहरी स्टडी करें, जो चीज़ पढ़ें उस पर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जब आपसे पूछा जाएगा, तो बहुत सी चीज़ों की डेप्थ में आपसे पूछा जाएगा। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब हम जज बने 2016 में, तो जो फर्स्ट पोजिशन आए थे, जो हमारी रिटन टेस्ट में जो फर्स्ट पोजीशन आए थे, वो हमारे एक दोस्त थे जो हाईवे डिपार्टमेंट से आए थे, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करते हैं जज के लिए, तो वो हाईवे डिपार्टमेंट से आए थे, तो उन्होंने फर्स्ट पोजीशन लिया रिटन टेस्ट में। अब रिटन में तो पढ़ के आपको एक जिसे हम कहते हैं हमारा पढ़ने का तरीका रटे वाला, उसमें पढ़ के तो आपने फर्स्ट पोजीशन ले ली, लेकिन वो इंटरव्यू में मैं आपको बताऊं कि वो बेचारे रह गए, वो जज नहीं बन सके, जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए थे, और सिर्फ चार सवाल उनसे पूछे गए इंटरव्यू में, और उनका क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था लॉ का, तो उन्होंने उन चार सवालों के ऐसे जवाब दिए कि आगे कमेटी ने उनसे सवाल ही नहीं पूछा और उनको ड्रॉप कर दिया। तो ये बात आपके समझने की, आपको कोई एक चीज वहां पे नहीं आया इंटरव्यू में, एक सवाल का जवाब नहीं आता, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आपको आता है वो आपको डेप्थ में आना चाहिए। आपसे वो एक सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे, वो उसके और गहराई में जाएंगे, और गहराई में जाएंगे, आपसे आगे पूछते जाएंगे, तो वो तभी आप जवाब दे सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो दो चीजें, पहली सीआरपीसी और सीपीसी पे कमांड, दूसरी आपको जो पढ़ना है वो डेप्थ में पढ़ना है, उसके बाद आप जितना पढ़ सकें आप पढ़ें,
और अपने रिलैक्स माइंड से, खुले दिल से आप जाके अपने टेस्ट में बैठें तो आप कामयाब होंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, जुडिशरी की तो बात हो गया, अब आते हैं हम प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे कि न्यू एनरोल्ड वकील है, उनका आजकल तो ज़्यादातर पहले बार में पॉलिटिक्स नहीं होती थी, अब तो मतलब हर बार में पॉलिटिक्स होने लगी है, तो इसमें न्यू एनरोल्ड वकील जो है उनका क्या रोल है एज अ यंगेस्ट जो भी एनरोल्ड हैं? देखिए, बार पॉलिटिक्स जो है वो भी एक हमारी सोसाइटी का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि बार जैसे वकालत के पेशे का की इज्जत है, एक नोबल प्रोफेशन है, इसी तरह किसी कोई भी सिचुएशन हो आपके मुल्क में, कोई भी चीज़ हो, तो इस बात को बड़ी अहमियत दी जाती है कि बार एसोसिएशंस या बार काउंसल्स क्या कह रही हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आपको पता है कि बार काउंसल्स, बार एसोसिएशंस मुख्तलिफ मुल्की जो वाकयात होते हैं, मुल्क में जो सूरत हाल होती है पॉलिटिकल और अदरवाइज, उस पर वो अपना जो है रेजोल्यूशन पास करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, अपनी जनरल बॉडीज बुलाते हैं, तो उसको बड़ी अहमियत दी जाती है पावर कॉरिडोर्स में कि वकला हजरात जो हैं वो, आपको पता है कि हमारी जजेस रेस्टोरेशन मूवमेंट हुई 2009 में, तो उसमें वकीलों का बहुत अहम रोल था, तो वो हमारे मुल्क की शायद वकीलों के हिसाब से सबसे बड़ी जदोजहद थी, तो उसके उसकी एक अहमियत है वकील के, बार की, बार क्या कह रही है उसकी बड़ी अहमियत है। इसलिए नौजवान जो वकला हमारे आ रहे हैं उनको बिल्कुल बार की पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उसमें यंग ब्लड आए, नए ख्याल आए, नए तरीके से वो अपनी बात करें, उनको इश्यूज का पता होता है, उनको पता होता है कि वो नए नए पढ़े लिखे होते हैं, उनमें जोश होता है, जज्बा होता है, तो वो बेहतर तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं वकला का, और अपने अपना इनपुट दे सकते हैं मुल्क की सियासत में और दीगर मसाइल में, और सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जो केसेस है, पेंडिंग केसेस जो हैं पाकिस्तान में, उसकी काजिज क्या है, उसकी वजह क्या है? मोस्टली हमने ज़्यादातर जो भी हमारे केसेस, चाहे सिविल में हो या क्रिमिनल में हो, पेंडिंग रेशो बहुत ज़्यादा है। उसके मल्टीपल जी उसके मल्टीपल रीजंस हैं जी। एक, जजेस कम हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। हमारे यहाँ सिंध में ये सिलसिला शुरू किया गया कि जजेस बढ़ाए गए, लेकिन वो सिर्फ सिविल जज और जुडिशल मैजिस्ट्रेट की हैसियत से उनकी वैकेंसीज बढ़ाई गई, उनकी पोस्ट बढ़ाई गई, ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स की गई, तो उन पे कुछ वर्कलोड कम हुआ। लेकिन उससे ऊपर सीनियर सिविल जजेस हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं, सेशन जजेस हैं, उनके उनकी बढ़ाई नहीं गई पोस्ट, तो उनके पास खास तौर पे सीनियर सिविल जजेस और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, उनको पोस्ट बढ़ाने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा वैकेंसीज क्रिएट करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर बहुत लोड है, एक एक जज के पास हज़ारों केसेस हैं, तो वो हज़ारों केसेस जज हैंडल नहीं कर सकता, एक जज उस उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता, पहली बात। दूसरी बात, उसमें बार जो हमारे बार एसोसिएशन और बार काउंसल्स हैं यानी वकला हजरात हैं, उनका भी उसमें रोल है। वकला भी बाज़ औक़ात, अगर हम सच्ची बात कहें तो वकला भी बाज़ औक़ात डिले का सबब बनते हैं केसेस में, तो वो वकला को भी आगे आना चाहिए। हमारे यहाँ एक नया तजुर्बा किया गया मॉडल कोर्ट्स का अभी जो चल रहा है, उसमें ये किया गया कि केसेस को जल्दी निपटाया जाए और मॉडल कोर्ट्स उसके लिए कायम की गई, लेकिन फिर भी अभी तक मसला है क्योंकि मॉडल कोर्ट्स थोड़ी हैं, उनके पास थोड़े केसेस हैं। वैसे कोई मखसूस मॉडल कोर्ट नहीं होनी चाहिए, हर कोर्ट में स्पीडी जो केसेस हैं वो चलने चाहिए, और इसमें वकला को और गवर्नमेंट को और जुडिशरी को साथ में बैठ के गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, फैसिलिटीज ज़्यादा देनी चाहिए ताकि ज़्यादा जजेस हों, उनके अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए, और इस तरह जुडिशरी वो जजेस ज़्यादा काम करें और वकला उनका साथ दें केसेस चलाने में, तो ये सब लोग अगर उसमें साथ देंगे तो इस तरह से होगी। और उसमें सबसे बड़ी बात कि जो फ्राइवेलियस और जो झूठी लिटिगेशन है उसको रोका जाए, क्योंकि वो खुद एक बर्डन बनती है। अगर पांच केसेस हैं, तीन उसमें से झूठे हैं, तो झूठे केसेस खामखा सुन रही है कोर्टें,
तो वो जो दो सच्चे केसेस हैं उनकी बारी नहीं आ रही, तो ये भी बंद होना चाहिए सिलसिले। उसमें पूरी सोसाइटी का एक रोल है, वो सब जब सब लोग उसमें मिलेंगे काम करेंगे तो फिर स्पीडी जस्टिस होगा। जी बिल्कुल सर। सर जो वकील हैं उसका कोर्ट के अलावा सोसाइटी में क्या रोल होना चाहिए? कोर्ट के अलावा वकील को सोसाइटी में, क्योंकि जैसे शुरू में मैंने अर्ज किया कि सोसाइटी जो है वो किसी नॉर्म्स के तहत, प्रिंसिपल्स के तहत, लॉज के तहत और रूल्स के तहत चलती है, तो वकील जो है वो लॉज और रूल्स को जानता है, वकील राइट्स को ऑब्लिगेशंस को जानता है। अगर कहीं राइट्स की वायलेशन हो रही है तो वकील को पता होगा कि ये राइट्स की वायलेशन, बाकी आम लोगों को शायद इतना पता ना हो जितना वकील को पता है कि लोगों के राइट्स क्या हैं, ह्यूमन राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स आइन में क्या दिए गए हैं लोगों के। तो वो वकील देखेगा कि सोसाइटी में यहाँ पे गड़बड़ हो रही है तो वहाँ पे उसको समझेगा वकील, क्योंकि वो कानून का माहिर कानून है तो उसको वो समझेगा। तो फिर उसका रोल ये है कि वो उसमें अपना इनपुट दे, उसमें वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक सेक्शन है 133, अब उसके तहत आप एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास बहुत से उसमें दिए गए हैं 5-6 किस्म के मामलात जिनमें आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब आम लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन एक वकील को पता है कि अगर एक रास्ता, पब्लिक रास्ता है, वो बंद है, दूसरे मसाइल हैं, तो आप एक 133 में जाके दे सकते हैं एप्लीकेशन। तो वो वकील को चाहिए कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम ना करे, वो सोसाइटी के लिए काम करे, वो देखे जहाँ पे सोसाइटी में राइट्स की वायलेशन हो रही है, जहाँ पे उसका कोई कानून में उसके तदारुक का कोई दिया गया है तो वो उसका तदारुक करे, इस किस्म की कोई एप्लीकेशन डाले और उस सोसाइटी को बेहतर करने की कोशिश करे। जी सर, बड़ी मेहरबानी सर। सवाल तो हम आपसे करते रहेंगे इंशाल्लाह। और सर जुडिशरी जो सिस्टम है, आप एज ए जज भी रह चुके हैं, तो एज ए जज और एज ए वकील क्या हमें जुडिशरी में चेंजिंग अमेंडमेंट करनी चाहिए? जुडिशरी में भी हमें बेहतरी की बहुत ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी देखें हमें हमारे समाज का कोई भी हिस्सा हो, जुडिशरी हो, वकील हो, बाकी चीज़ें हो, तो वो हमारी समाज का ही हिस्सा है। तो हमारा समाज ओवरऑल, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हम अभी अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम तरक्की याफ्ता बने, तरक्की पजीर मुल्क हैं, तो हम चूँकि तरक्की पजीर हैं तो हमारी हर चीज़ तरक्की पजीर है, तो हमारी हमें तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता का सफ़र तय करना है। तो जुडिशरी में भी बहुत हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, हमारे कोर्ट्स में फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जजेस बेचारे, आप जाएंगे देखेंगे, आप सिटी कोर्ट में जाएं, बाकी कोर्ट्स में जाएं, आप देखें तो बहुत हालत बुरी है। मैं आपको बताऊं, जब मैं फर्स्ट पोस्टिंग पे, मेरी काजी अहमद डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह में पहली पोस्टिंग हुई, तो मैं जब पहले दिन वहाँ पर गया तो वहाँ पर ना पंखा था ना लाइट थी, ये पोजीशन थी। वो हमारा एक जानवरों का अस्पताल का एक पोर्शन हमें दिया गया था कोर्ट के लिए, तो उसमें जाके हम बैठे तो उसमें कोई चीज़ नहीं थी, 3 दिन तक हम बगैर पंखे और बगैर लाइट के वहाँ पे गुजारा, और फिर जाके कहीं वो सेटअप हुआ, लाइट लगी और पंखे लगे, और तो हालत बहुत बाज़ोकात ख़राब है। लेकिन हमारे जजेस बेचारे जो हैं उनको उनको सल्यूट हो कि वो इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस किस्म की फैसिलिटीज में बैठ के काम करते हैं, हालांकि वो उनकी बहुत ऑनर्ड पोजीशन है। तो और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन उनके छोटे छोटे अफसर जो हैं बहुत बड़ी फैसिलिटीज अवेल करते हैं, लेकिन जजेस जो हैं वो इस किस्म के हालात में काम कर रहे हैं, तो हमें उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जजेस की ट्रेनिंग को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जजेस की अपॉइंटमेंट को CSS स्टाइल में करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा बेहतर से बेहतर लोग हमारे पास आए। तो ये हमारे पास बिल्कुल ज़रूरत है, हमें जुडिशरी को बेहतर करने की, समाज के बाकी सारे हिस्सों की तरह जुडिशरी को भी बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। सर मैं लास्ट से आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो भी लॉ के स्टूडेंट से या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये मैसेज दूंगा कि आप जो हैं वो अपने एक जुडिशरी में जाएं या लीगल फील्ड में जाएं अपने फ्री माइंड और क्लियर माइंड के साथ जाएं और अपने जहन पे कोई बर्डन ना लें। मैं बाज़ों का दोस्तों को देखता हूं वो बहुत ज़्यादा बर्डन लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर लेते हैं और उसमें ना वो सही तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स रखें अपने आप को, चीज़ों को आराम से पढ़ें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चीज़ों को पढ़ें, डेप्थ में पढ़ें, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें और सीआर प्रोसीजरल लॉ को गहराई में देखें, सीआरपीसी और सीपीसी पे उबूर हासिल करें और चीज़ों अपने कॉन्सेप्ट्स कानून के बारे में क्लियर करें। तो इंशाल्लाह आप जो वहाँ पे आप जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो हाई कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं, वो बिल्कुल हर चीज़ को समझते हैं और आप इस किस्म की कोई जहन में बात नहीं रखें। वो एक इंसान पूरा कानून नहीं पढ़ सकता, कानून बहुत ज़्यादा है, बहुत वसी है, आप पूरा कानून नहीं पढ़ सकते, इसलिए वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप में कितनी कैपेसिटी है, बेसिक चीज़ों का डेप्थ में आपको कितना पता है और आप में कितना आपके कॉन्सेप्ट्स कानून के बारे में क्लियर हैं, कितनी आपकी अंग्रेजी अच्छी है, कितने आप एक ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, आप में चीज़ों को मैनेज करने के कितनी क्वालिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें वो आपकी देख के और फिर समझते हैं कि ये एक जज बनने के लिए ये एक मौजून आदमी है, उसको उठा लेते हैं। तो सिर्फ पढ़ने की बात नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो इसलिए आप सारा कानून नहीं पढ़ सकते, कानून बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप बेसिक चीज़ों को पकड़ें, उनको अच्छी तरह पढ़ें और वो उनमें से ही आपसे पूछेंगे। जो आपको चीज़ नहीं आती वो उनको बोलें सर मुझे ये नहीं आती, मैंने नहीं पढ़ी है, नो इशू, वो आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे। लेकिन जो आपको आता है वो अच्छी तरह आता हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई टेंशन ना लें, क्लियर माइंड से जाएं, रिलैक्स रहें, तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी होगी। सर ये सवाल पूछा गया आपसे, सवाल शो हो रहा है आपके पास? सर ये किसी ने पूछा है, शीजा ओठो ने पूछा है कि सर मोस्टली पीपल से दैट फीमेल्स स्टूडेंट ऑफ लॉ शुड बी जज, व्हाट डू यू से अबाउट इट? अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि फीमेल्स को एक तो हमारे फैमिली कोर्ट्स जो हैं आजकल फैमिली लॉ की बहुत ज़्यादा अहमियत है और उनके पास बहुत सारी लिटिगेशन आती है फैमिली कोर्ट्स में और ये हमारे फैमिली लॉज में लिखा है कि प्रेफरेबली जो फैमिली जजेस हैं वो लेडीज होनी चाहिए क्योंकि लेडी लिटिगेंट्स वहाँ पे ज़्यादा आती हैं तो वो ज़्यादा उनको वो समझ सकती हैं उनके मामलात को। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी फील्ड है, अगर आप जज बनना चाहते हैं तो आपके ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आप फैमिली कोर्ट में आपको रखा जाएगा इसलिए आपके ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन ये अगर आप वकील भी बनना चाहते हैं तो ये बिल्कुल हमारे यहाँ आसमा जहांगीर साहिबा का और बाकी लेडी एडवोकेट्स के एग्जाम्पल्स हैं, वो कर सकती हैं, वो ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को, एक औरत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को समझती है इसलिए औरतों को आगे आना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से वकालत कर सकती हैं, वो मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा जो है वो अपने क्लाइंट के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि मर्द हजरात जो वकील हैं वो ऐसा नहीं होते लेकिन औरत की नेचर वाइज वो ज़्यादा सिंसियरिटी दिखाती है अपने क्लाइंट से। तो औरतों को बिल्कुल आना चाहिए इस फील्ड में, वो ज़्यादा बेहतर वकील बन सकती हैं, वो ज़्यादा बेहतर जज बन सकती हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें हमारा टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया। सर ये हमारे लिए ऑनर की बात कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच एनी टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।